Hello guys, this is Sonu Singh and welcome back to my channel. Today our topic is present perfect tense. Present यानी वर्तमान, perfect यानी complete. इस प्रकार से वर्तमान में जब किसी काम का पूरा होना अथवा complete होना पाया जाता है तो ऐसे sentence को हम present perfect tense के अंतर्गत रखते हैं. Present perfect tense में किसी काम का पूरा होना must होता है. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन के. सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ली है, दी है इत्यादि पाया जाता है. लेट मी रिपीट अगेन. सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ली है, दी है इत्यादि पाया जाता है. अब हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की. अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज अथवा हैव का यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. लेट मी रिपीट अगेन. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. अब हमें यह जानना है कि हैज और हैव का यूज किन किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है. ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है. लेट मी रिपीट अगेन. आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है. ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है. अब आइए कुछ सेंटेंस को हम देख लेते हैं. पहला सेंटेंस है राम स्कूल जा चुका है. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम. राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं. राम हैज, राम के द्वारा कौन सा काम हो चुका है, स्कूल जाने का काम हो चुका है. यानी गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन. राम हैज गॉन टू स्कूल. इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, राम स्कूल जा चुका है. राम हैज गॉन टू स्कूल. नेक्स्ट सेंटेंस है गीता ने खाना बना लिया है. यानी गीता के द्वारा खाना बनाने का काम हो चुका है. यानी गीता आपका सब्जेक्ट हो गई. गीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं. गीता हैज कुक्ड फूड. यहां पर कुक का थर्ड फॉर्म है कुक्ड. इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, गीता ने खाना बना लिया है. गीता हैज कुक्ड फूड. नेक्स्ट सेंटेंस है महेश अभी अभी आया है. यानी महेश के द्वारा आने का काम कंप्लीट है. महेश आपका सब्जेक्ट है. महेश, महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज का यूज होगा. महेश हैज अभी अभी की इंग्लिश होती है जस्ट, यानी तुरंत की बात हो रही है. महेश हैज जस्ट अराइव्ड. इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया महेश अभी अभी आया है. महेश हैज जस्ट अराइव्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने अपना काम कर लिया है. सब्जेक्ट मैंने यानी आई. आई के साथ हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में. आई हैव काम कर लिया है, यानी काम कंप्लीट हो गया है. आई हैव कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड. आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया मैंने अपना काम कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस है उन्होंने हमें पढ़ा दिया है. यहां पर उन्होंने यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वो भी प्लूरल की. तो थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है, दे. दे के साथ हैव का यूज करते हैं. वर्क है पढ़ाना, यानी पढ़ा दिया है. टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टास्क. हमें यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस.
इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, उन्होंने हमें पढ़ा दिया है, they have taught us। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें हम नॉट का अथवा नहीं का यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जैसा कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज हैज हैव के रूप में करते हैं, तो उसी के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका ये टोटल स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। राम स्कूल नहीं गया है, इसमें नहीं का यूज किया गया है, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि हैज का यूज होता है। राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन गया, राम स्कूल नहीं गया है, राम हैज नॉट gone to school। Next sentence है, गीता अभी खाना नहीं बनाई है। गीता के साथ हम has का यूज करते हैं, has के तुरंत बाद हम not का यूज करते हैं। गीता has not cooked food अभी के लिए हम yet का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, गीता अभी खाना नहीं बनाई है, गीता हैज नॉट कुक्ड फूड येट। नेक्स्ट सेंटेंस है, महेश अभी नहीं आया है। महेश हैज नॉट अराइव्ड येट। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, महेश अभी नहीं आया है, महेश हैज नॉट अराइव्ड एट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना काम नहीं किया है। मैंने यानी आई के साथ हैव का यूज करते हैं, हैव के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने हमें अभी नहीं पढ़ाया है। उन्होंने यानी थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, यानी दे हैव, दे के साथ हैव का यूज करते हैं, दे हैव नॉट टॉट अस राइट नाउ। यहां पर अभी के लिए मैंने राइट नाउ का यूज किया है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को सेंटेंस में सबसे पहले लाते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। लेट मी रिपीट अगेन, has, have, plus subject, plus verb की third form, then object, question, mark। तो आइए हमको sentence को सबसे पहले देख लेते हैं। क्या राम स्कूल चला गया है? राम is a singular subject, तो राम के साथ हम has का use करते हैं, क्योंकि interrogative sentence बना रहे हैं, तो has को हम पहले लाते हैं। has राम, इसके बाद verb की third form का use करते हैं, gone to school, इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, क्या राम स्कूल चला गया है? Has Ram gone to school? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गीता ने खाना बना लिया है? गीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम has का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में has को पहले लाते हैं। Has Gita cooked food? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या महेश अभी आया है? Has महेश
just arrived. क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, क्या महेश अभी आया है? हैज महेश जस्ट अराइव्ड। इस प्रकार से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं और सारा का सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होता है जैसे हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। लेट मी रिपीट अगेन, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? यहां पर सब्जेक्ट है तुमने, यानी यू। यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करते हैं, तो हैव को सबसे पहले लाएंगे। Have you, you के तुरंत बाद, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं, यहां पर भी नॉट का यूज करेंगे। Have you not? उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यहां पर काम कंप्लीट की बात हो रही है। Have you not completed? Your work? और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनता है, क्या तुमने अपना काम नहीं किया है? Have you not completed your work? अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उन्होंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है? यहां पर सब्जेक्ट आपका दे होगा, तो दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। Have they not taught you right now? इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस हो गया, क्या उन्होंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है? Have they not taught you right now? यहां पर अभी के लिए right now का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया है? यहां पर सब्जेक्ट यू है, यू के लिए हम have का यूज करते हैं। Have you not taken food? Yet? इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो गया, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया? Have not taken food yet? यहां पर अभी के लिए हमने yet का यूज किया है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सारे स्ट्रक्चर और उसके सेंटेंसेस के बारे में अच्छी तरीके से बताया है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।